आर एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, कोरोनरी हार्ट डिजीज। व्हाट इज द डेफिनेशन एंड फॉर्म ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड काज एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की साथियों बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले जानेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज है क्या। कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD इज आल्सो कॉल्ड इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक मतलब ये होता है कि अचानक जो है एक बहुत तेजी से जो हार्ट के अंदर दर्द होता है उसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज कहते हैं, बीमारी कहते हैं। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, इस्कीमिक पेन इसमें होता है, तो इस्कीमिक पेन हार्ट डिजीज भी इसको कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज इम्पायरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट कोरोनरी सर्कुलेशन। इसका मतलब यह है साथियों कि ब्लड का जो है कोरोनरी में प्रॉपर सर्कुलेशन ना होना और एडिक्वेट इसको ब्लड ना मिलना, क्योंकि ब्लड के माध्यम से हार्ट के जो चैम्बर हैं और वाल्व्स हैं, 4 chambers, उसमें क्या होता है 2 oxygenated ब्लड जो है उसमें हार्ट को पहुंचाते हैं और इम्पोर ब्लड जो है बाहर करते हैं। जब उसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन जो है स्लो हो जाता है या किसी तरह से अवरोध हो जाता है तो उसमें साथियों क्या होता है, ये इस्कीमिक अचानक दर्द होने लगता है और कोरोनरी हार्ट डिजीज को कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस इन कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। जैसा कि साथियों अभी हमने हिंदी में बताया, वही चीज लिखा है इसमें। साथ ही साथ बात करेंगे फॉर्म ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब इसमें इनके और भी रूप हैं, हार्ट डिजीज होती है कोरोनरी, तो उसको जो है इसके अंतर्गत इस तरह से भी समस्या आ सकती है, इसको भी हम कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंतर्गत ही काउंट करते हैं। तो वेरियस फॉर्म ऑफ दिस डिजीज आर एंजाइना पेक्टोरिस। जैसा कि बताया था, इस्कीमिक पेन जो होता है उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो है हार्ट के अंदर बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है और जो है किसी तरह से असुविधा हो जाती है, तो उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। एंड कार्डियक फेलोर, यही डिसफंक्शन की वजह से जो है कार्डियक फेलोर होता है। एंड सडन डेथ हो जाती है। तो इंसिडेंट क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज अकर्स मोस्टली इन द एज ऑफ ग्रुप 50 to 60 ईयर। अभी तक की सर्वे में लगभग ये देखा गया 50 से 60 साल के बीच में ये जो है ओल्ड एज जो जेरियाटिक की तरफ जो पर्सन बढ़ते हैं उनमें ये पाया गया है। बट इट मे अकर्स अराउंड 40 ईयर्स और 40 साल के भी आदमियों में पाया गया है। मेल आर इफेक्टेड मोर देन फीमेल्स, और मेल जो है पर्सन ज्यादा इफेक्ट होते हैं महिलाओं के कंपेयर में, महिलाएं कम होती हैं और पुरुष ज्यादा होते हैं। काज, इसका कारण क्या है, दी प्रीडिस्पोंडिंग फैक्टर्स फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज आर, एक तो डाइट रिच इन फैट एंड रिफाइंड शुगर। एक तो क्या होता है फैट कोलेस्ट्रॉल की जो चीजें हैं वो ज्यादा शहरीकरण की वजह से लोग खाने लगे हैं, और जो चाय कॉफी है उसमें रिफाइंड बहुत बारीक शुगर का जो इस्तेमाल है उससे ये बीमारी होने लगी है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, और हाइपरटेंशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर हाई है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उससे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। एंड हैवी स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज एक्सेसिव अल्कोहल, और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उससे जो है ये प्रॉब्लम होती है। एंड सेडेंट्री लाइफ एंड टेक लेक ऑफ एक्सरसाइज, और सेडेंट्री लाइफ है जैसे देर से उठना और बहुत रात में देर में सोना और एक्सरसाइज ना करना, और ओबेसिटी मतलब मोटापा बढ़ जाना, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये इसके लक्षण है। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस एंड गॉट, और जो गठिया रोग है या थायरोटॉक्सिकोसिस होती है उसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथियों, साथ ही साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करेंगे तो मेजर प्रिवेंटिव फैक्टर्स आ रहे हैं अवॉइड फैटी डाइट, जैसा कि अभी बताया है जो फैट कोलेस्ट्रॉल की चीजें उनका सेवन कम करना चाहिए, और हाइपरटेंशन और डायबिटीज पे कंट्रोल करना चाहिए, समय समय पे उसका जो है चेकअप होना चाहिए और डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। एंड अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल जो है स्मोकिंग और एल्कोहल नहीं पीना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज, और क्या है कि समय से सोना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी वेट, और बॉडी वेट जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेगुलर पीरियोडिक चेकअप स्पेशली एल्डर पर्सन, ब्लड प्रेशर और शुगर भी रेगुलर पीरियोडिक चेकअप करते रहना चाहिए, बॉडी वेट भी चेकअप करना चाहिए। एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए अबाउट रिस्क फैक्टर इन कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड अवॉइड देम, उसके बारे में कि फैट कोलेस्ट्रॉल ये इस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है जरूर कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों, नमस्कार।